हमारा सबसे ज़्यादा प्रिय विषय है अध्यात्म, और अध्यात्म का सबसे प्रमुख सूत्र है एकाग्रता। एकाग्रता के बिना अध्यात्म में हमारा प्रवेश नहीं होता। एकाग्रता, एक बात पर आप 10 मिनट टिक जाएं, एक शब्द लिया, एक विचार किया, आधा घंटा अगर टिक जाएं तो भीतर का स्रोत फूट पड़ता है, होता नहीं, आदमी टिकता नहीं है, बड़ी चंचलता है। गुरु के पास 4 व्यक्ति आए और बोले, गुरुदेव हम ध्यान सीखना चाहते हैं। गुरुदेव ने उनको देखा, लगा कि योग्य नहीं है ध्यान करने के, कहा अभी नहीं, रहने दो। नहीं बोला कि गुरुदेव हम तो बहुत आशा लेकर आए हैं और हमें तो आपको सिखाना होगा और अब ध्यान हमें सीखना है। गुरु ने कहा अभी अच्छी बात है, इतना तुम्हारा आग्रह है तो जाओ, ये कमरा भीतर बैठ जाओ और 1 घंटा तक बैठे रहो, न बोलना न कुछ सोचना है, एकाग्रता की साधना करो, सोचना भी नहीं और बोलना भी नहीं। ठीक है, चारों बैठ गए। अब बैठे हैं पर मन तो चंचल है। सांझ का समय था, सूरज अस्त होने को था, बैठे हैं। एक के मन में विकल्प उठा कि देखो कितना अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया एकदम, रहा नहीं गया। अब चंचलता जब आती है और मन में कोई विकल्प की तरंग उठती है, उस समय आदमी बोले बिना रह नहीं सकता। चंचलता और वाणी दोनों का बड़ा योग है। तो बोल उठा कि देखो कितना अंधेरा हुआ, किसी ने दिया नहीं जलाया। दूसरा बोला, चुप रहे मौन है। तीसरे ने सुना और वह बोला, तूने मौन तोड़ दिया। चौथा बोला, मैं एक बचा हूं जिसने मौन नहीं तोड़ा है। बड़ी हंसी की बात लगती है, पर क्यों कि चंचलता के कारण अगर आप अपने जीवन का विश्लेषण करें तो आपको पता लगेगा कि मनुष्य की असफलता का शायद 50% हिस्सा चंचलता की झोली में चला जाएगा।